Hello friends, good morning, and today we will question practice this type. Here this is disc and R radius disc is cut out. Means what? ये disc दिया हुआ है ये पूरा और इसमें R radius का disc cut out है और इस पर sigma charge जो ये बाकी बचा इस पर पूरा sigma charge distributed है. तो इसके कारण यहाँ पर electric field क्या होगा ये बताना है आपको. तो चलिए इसका सॉल्यूशन मैंने करके रखा है, देखिए. तो हम लोगों को पता है कि डिस्क के कारण किसी डिस्टेंस पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ये होता है. अब देखिए तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहाँ पर तो डिस्क है नहीं, ये तो एक प्रकार का रिंग जैसा, मतलब ये कट आउट डिस्क है. तो यहाँ पर ई नेट निकालना है तो कैपिटल आर के कारण कितना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है और स्मॉल आर के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है. तो देखिए कैपिटल आर क्या मतलब इसको भी कंसीडर कर लेगा, मतलब ये नहीं भी है कट आउट तो फिर भी कंसीडर कर लेगा कैपिटल आर. और ये स्मॉल आर के कारण माइनस में बनेगा. क्यों? क्योंकि ये तो प्रेजेंट नहीं ना है तो इसके कारण माइनस में बनेगा. तो नहीं, पूरे के कारण जो बना और इसके कारण जो बना दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा. इसके कारण क्या बनेगा? सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला से डायरेक्ट. और यहाँ पर माइनस साइन क्यों दिए? क्योंकि ये वाला प्रेजेंट नहीं है तो उतना घटाना पड़ेगा. तो सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर इसका रेडियस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा. सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट माइनस टू सिग्मा बचेगा क्या? सिग्मा एक्स एक्स कॉमन आ जाएगा टू एप्सिलॉन नॉट, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वन बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इतना आ जाएगा. और इसका डायरेक्शन क्या होगा? अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से अवे की ओर बनेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा अवे फ्रॉम सेंटर. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करना था. थैंक्स फॉर वॉचिंग.